वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट वेरी सिंपल एंड वेरी यमी एक्लेयर ट्राइफल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें, मेरे पास यहाँ एक पॉट है जो कि चूल्हे पर नहीं रखेंगे और इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर 2.5 कप दूध। अगर आपके पास दूध पका हुआ हो या ना पका हुआ हो कोई सा भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 कप शक्कर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप कोको पाउडर अनस्वीटेड। और अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून लेवल्ड मैदा और इनको हम मिक्स कर लेंगे। आपको ये विस्क याद है, सना ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिलाया था। हम लोग गए थे दूर दूर लेने के लिए तो ये मेरे पास नहीं था तो ये भी लिया था, बहुत सारी चीज़ें भी ली थी। और अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक याद देती हूँ, आप देखिएगा, हमने बड़ा इन्जॉय किया था। मैं तो बर्तनों के साथ बिल्कुल ऐसी हूँ जैसे किड इन कैंडी स्टोर। अच्छा, ये जो कोको पाउडर है ना अक्सर डिजॉल्व होने में टाइम लगता है, तब मेक श्योर करिएगा कि फ्रिज का दूध ना हो, रूम टेम्परेचर हो। देखिए ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है और कुक होते होते गर्म जब होगा जब ये और भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो चूल्हा ऑन कर देते हैं, फ्लेम मीडियम रखते हैं, मीडियम और मीडियम लो के दरमियान, और इसको रख देते हैं चूल्हे पर। और अब इसे हम लगातार चलाएँगे और कुक करेंगे। देखिए अच्छा सा डिज़ोल्व हो गया है। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें वैनिला, अगर आप चाहें तो किसी और तरह की भी खुशबू डाल सकते हैं। तो ये 1/2 टीस्पून मैं डाल देती हूँ वैनिला पाउडर। इसे कंटिन्यू हिलाना है क्योंकि हमने मैदा भी डाल दिया है ना, तो ये थिक बहुत फास्ट होगा और अगर नहीं हिलाएंगे तो इवन कंसिस्टेंसी नहीं होगी। देखिए कैसा शाइनी शाइनी लग रहा है, थिक हो गया है। तो बस अब ये आसपास से सिजल करना शुरू करेगा। ये देखिए करना भी शुरू कर दिया है इसने, तो ये और भी थिक हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, इससे कंसिस्टेंसी बड़ी स्मूथ और अच्छी सी हो जाएगी और शाइनी शाइनी और भी मिक्सचर हो जाएगा। अब जब तक पकाएंगे जब तक ये बटर जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए। देखिए अब सेंटर से भी बबल 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 हो रहा है, बटर जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है। इस पॉइंट पर हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और यहाँ देखें सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको बनाना हो। तो ये मेरी एक डिश है और यहाँ ढेर सारे मुन्ना बिस्किट, पाले जी बिस्किट होते हैं ना वो है, जो भी मतलब घर में रखे वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लेयर मैं इसकी इस तरह से डाल दूँगी जल्दी जल्दी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई फैंसी शैंसी बिस्किट भी ले सकते हैं, लेकिन ये बजट फ्रेंडली भी है और अच्छे भी हैं बेचारे। इसके ऊपर हल्का हल्का दूध पोर कर देंगे, इस तरह से डाल देंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप चाहें तो ईच कुकी को डिप करके भी दूध में डाल सकते हैं। अब अगेन एक लेयर डाल देंगे ताकि नीचे का बेस जो है वो हमारा थिक हो। थोड़ा सा दूध फिर डाल देंगे। पुडिंग को हिला लेते हैं ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए इसका। अच्छा, अब ये ठंडा हो रहा है जब तक हम इसके ऊपर एक लेयर डालेंगे क्रीम की। तो ये देखिए टेबल क्रीम बड़ा इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, ओवर द काउंटर रख सकते हैं, पैंट्री में रख सकते हैं, बड़ा एक्सेसिबल है और बजट फ्रेंडली भी है। तो ये मैंने लेके और इसको फ्रिज में रख दिया था। अगर इसको फ्रिज में रख दो ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी सी हो जाती है, थिक सी हो जाती है।
और बड़ा यमी होता है, लेकिन बाहर रखते हैं जब थोड़ा ढीला होता है और अंदर जब डाल देते हैं तो बड़ा थिक सा हो जाता है। बेसिकली एक लेयर जो है वो क्रीम की हमें डालनी है। अब चाहे वो मलाई हो, टेबल क्रीम हो, या हैवी व्हिपिंग क्रीम हो, या जो भी आपको कंटेनर में मिलता हो क्रीम, किसी भी किस्म का, कोई स्पेशल इसमें ज़रूरी नहीं है। और ये मेरा कंटेनर की साइज़ है 7.6 ounce। तो ये सारा डाल दिया मैंने, एक दफ़ा दोबारा इसको चला देंगे थोड़ा टेम्परेचर डाउन करने के लिए। अब दोबारा हम लेयर रखेंगे बिस्किट्स की, जैसे दो लेयर रखी थी ना, इस तरह दोबारा दो लेयर रखेंगे। अब इसे हम सोक नहीं करेंगे दूध के साथ, इसकी वजह कि ये जो हमारा जो मिक्सचर है ना, ये अभी भी गर्म है, तो ये बिस्किट्स को नरम कर देगा। तो ये जो है लेयर डालेंगे अब हम इसकी। अब दोबारा कुकी की लेयर, अब इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालेंगे। एक और लेयर डालेंगे। सेकंड लेयर को भी थोड़ा सा गीला कर देंगे। अब इसके ऊपर वाइट लेयर एक डालेंगे दोबारा। आप एक लेयर कुकी की दोबारा डालेंगे। ये मुझे हमेशा से एक चीज़ बड़ी फनी लगती है और जो सही भी है, जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं कुकीज़ की लेयर जो है वो ज़्यादा आने लगती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। चले अब ये सारा पुडिंग जो है इसमें डाल देंगे। तो ये सारा चॉकलेट जो है वो इस पर चला गया। अब ये जो कुकीज़ बचे इसका हम चूरा कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा साइड में लगाएंगे इस तरह से। डेकोरेशन आप चाहें तो अलग तरह से भी कर लें, जो आपका दिल चाहे, फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। हल्का सा सेंटर में कर देंगे। अब इसको मोर प्रीटियर बनाने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो किसी किस्म की चॉकलेट्स रख लें, ग्रेट करके रख लें। मेरे पास ये चॉकलेट रखी हुई है तो मैं ये इससे डेकोरेट कर देती हूँ। देखिए दो दो हार्ट है, एक मेरा हार्ट है, एक आप लोग का हार्ट है। चले अब इसे फ्रिज में रखते हैं, सेट होने देते हैं। जितना ज़्यादा टाइम होगा डेफिनेटली सेट ज़्यादा होगा। मेरे पास जितना टाइम होगा मैं रखूँगी अराउंड एक दो घंटे, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट रहेगा। तो चले इसको फ्रिज में रख देते हैं। हमारे डिज़र्ट को रखे हुए एक डेढ़ घंटा हुआ है, तो चले लेकर आते हैं। डिश आउट करते हैं। लग तो रहा है थोड़ा सेटल हो गया है, क्रीम जो है ना साइड तक था ना, तो थोड़ा सा स्क्रेप कर लेते हैं। यम। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा एक लेयर ट्राइफल बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर कंसिस्टेंसी है चॉकलेट की लेयर, क्रीम की लेयर, कुकीज भी, बिस्किट्स भी ना तो ओवर मेल्ट हुए हैं ना बहुत क्रिस्पी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है जबकि मैंने एक डेढ़ घंटा रखा है।
अगर आप लोग ओवरनाइट रखेंगे या 4-5 घंटे, तो और भी चिल्ड होगा, और भी मज़े का लगेगा। तो आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। देखिए लेयर कितनी अच्छी लग रही है। खतरनाक, और ओवर मीठा भी नहीं है ना, लाइट है, परफेक्ट है, बनाना बनता है। तो चले जल्दी दी जाए, बनाए, खूब मज़े करे, मज़े करवाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।